नमस्कार। हाल ही में इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी कर दी है। करीब 100 पन्नों की इस सुरक्षा नीति में इमरान खान सरकार ने भारत के साथ बेहतर रिश्ते करने की भी बात कही है, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान की सुरक्षा नीति से ज़्यादा उसकी हरकतों पर निर्भर करता है। साथ ही जम्मू और कश्मीर को सुरक्षा नीति में भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय संबंधों में कोर मुद्दा बताया है। सुरक्षा नीति में पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हिंदुत्व आधारित राजनीति पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। ये बयान इमरान खान सरकार ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए दिया है, उससे ज़्यादा इसका महत्व और कुछ नहीं है। और पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे का एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान होने तक यह भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों का आधार बना रहेगा। इस सुरक्षा नीति में चीन के साथ अच्छे रिश्ते रखने पर जोर देने की बात भी कही गई है। उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट बताया है। इमरान खान सरकार भारत के दोस्त रूस के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है। पाकिस्तान ने यह कहा कि अमेरिका के साथ उसके सहयोग का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन वो किसी खेमे की राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सुरक्षा नीति में अमेरिका के साथ व्यापक रिश्ते बनाने की बात भी कही गई है। पाकिस्तान की इस नई नीति में पड़ोसी देशों के साथ शांति पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि इस पर बातचीत और प्रगति होती है तो इस बार संभावना है कि भारत के साथ पहले की तरह ही व्यापार और व्यापारिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। पाकिस्तान ने यह नई सुरक्षा नीति 2022 से लेकर के 2026 तक के लिए बनाई है। 100 पन्नों की इस नई सुरक्षा नीति के बाकी के हिस्से को गोपनीय रखा गया है पाकिस्तान के सुरक्षा कारणों की वजह से। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति पर। पहली बड़ी बात तो ये कि यह पाकिस्तान के इतिहास की पहली सुरक्षा नीति है। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान को पता है कि सुरक्षा नीति नाम की कोई चीज़ भी होती है। दूसरी बात, पाकिस्तान ने भारत के साथ सुरक्षा नीति में रिश्ते बेहतर करने की बात कही है, लेकिन वो तब हो सकते हैं जब पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना बंद करे, साथ ही कश्मीर में आतंक फैलाना और पंजाब के रास्ते हथियारों और ड्रग्स के खेत पर रोक लगाए। तीसरी और बड़ी बात, रूस और अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर। जब रूस और अमेरिका की बात एक साथ आती है तो दुनिया दो हिस्सों में बट जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। दुनिया में इकलौता एक ऐसा देश भारत ही है जिसके रिश्ते रूस और अमेरिका दोनों के साथ एक समय पर बेहतर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान पड़ोसी देशों के साथ शांति बहाल करने की बात कर रहा है, व्यापारिक रिश्तों और संबंधों को ठीक करना चाहता है। जिस तरह के हालात पाकिस्तानी आवाम के हैं और पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, उसको सुरक्षा नीति से पहले विदेश नीति और गृह नीति बनानी चाहिए थी। और पाकिस्तान ने चीन के साथ बेहतर रिश्ते करने की बात कही थी। चीन पाकिस्तान को बर्बाद करने में पूरी तरह सहयोग कर रहा है, हथियार के नाम पे उसे कबाड़ पकड़ा देता है, लोन के नाम पे उसे भिखारी बना दिया है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी चाइना के अलावा कोई चारा बचा ही नहीं है। चाइना दरअसल पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है और उसके कटोरे में कुछ डाल देता है। पाकिस्तान की इस नई सुरक्षा नीति पर आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान अपनी ही बनाई इस सुरक्षा नीति पर अमल कर पाएगा, या हर बार की तरह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।